नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में पढ़ रहे थे और सीएफटी डिस्कस कर रहे थे। सीएफटी हम लोगों ने ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए डिस्कस कर ली थी। आज हम लोग सीएफटी डिस्कस करेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी टेट्राहेड्रल कंपाउंड्स के लिए। टेट्राहेड्रल कंपाउंड्स में कितने लिगेंड्स आते हैं? चार लिगेंड्स आते हैं। तो सबसे पहली बात तो आप लोग इस बात को दिमाग में डाल लो कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनते टाइम कितने लिगेंड आ रहे हैं? चार लिगेंड्स आ रहे हैं। मैंने डी ऑर्बिटल्स की को दो कैटेगरी में डिवाइड किया था, टी टू के अंदर और ई के अंदर। टी टू मैंने किनको बोला था? टी टू ऑर्बिटल्स मैंने बोला था जो ऑन द एक्सिस आई, सॉरी, जो बिटवीन द एक्सिस आई। और ई वाले ऑर्बिटल्स मैंने किसको बोला था? जो ऑन द एक्सिस आई। ऑन द एक्सिस कौन से आते हैं? एक तो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और एक डी जेड स्क्वायर। और बिटवीन द एक्सिस कौन से ऑर्बिटल्स आए थे? डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स। डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स, ये तीन ऑर्बिटल्स क्या होते हैं? बिटवीन द एक्सिस आते हैं। तो आप लोग इस बात को समझ लो कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में लिगेंड कहाँ से आते हैं? लिगेंड आते हैं बिटवीन द एक्सिस, एक्सिस के बीच से, ऊपर से नहीं आते हैं, एक्सिस के बीच से आते हैं। अच्छा देखो, तो ये बात हम लोग अज्यूम करते हैं, बस हम लोग उस तरीके से कॉम्प्लेक्स को बनाते हैं जिससे उसको सोचना आसान हो जाए, हम उस चीज़ को इमेजिन आसानी से कर पाएँ। तो हम लोग इमेजिन करते हैं कि जो लिगेंड्स आते हैं वो कहाँ से आते हैं? बिटवीन द एक्सिस को। इस तरीके से टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स को सोचना क्या होता है? थोड़ा ईजी पड़ जाता है, बस यही इसमें सोच सकते हैं, इसी तरीके से इसको समझा सकते हैं। तो आप लोग लिख लो पहला पॉइंट कि इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज लिगेंड्स आर अज्यूम्ड टू अप्रोच मेटल metal alone from between the axis। तो देखो, between the axis अगर ligands आ रहे हैं तो जो orbital between the axis lie करेंगे उनको repel क्या करेंगे? जाता। और जो ऑन द एक्सिस लाई करेंगे उनको रिपेल क्या करेंगे? कम। क्योंकि जिस डी ऑर्बिटल के ज़्यादा पास से लिगेंड्स आएंगे उनको रिपेल ज़्यादा करेंगे। टी टू बिटवीन द एक्सिस है, लिगेंड भी बिटवीन द एक्सिस से आ रहे हैं, तो मतलब क्या होगा? इनको रिपेल ज़्यादा करेंगे। तो मैं बोल सकता हूँ अगला पॉइंट, टी टू ऑर्बिटल्स आर रिपेल्ड more than e orbitals। तो चलिए हम लोग इसकी ज्योमेट्री बनाते हैं, इसकी बना के दिखाते हैं इसको। इन पॉइंट्स को आप लोग लिख लो पहले, ये दोनों ही मेन पॉइंट है सीएफटी के, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए, कि लिगेंड जो है वो कहाँ से आएगा? लिगेंड विल अप्रोच बिटवीन द एक्सिस। और दूसरी बात, जो ऑर्बिटल्स बिटवीन द एक्सिस लाई करेंगे उनको ज़्यादा रिपेल करेंगे एज कम्पेयर्ड टू जो ऑर्बिटल्स ऑन द एक्सिस लाई करेंगे। वो कौन से ऑर्बिटल्स है? ई ऑर्बिटल्स। तो अब हम लोग इसकी डायग्राम बनाते हैं। ओके, मान लो मेरे पास पांच डी ऑर्बिटल्स इस तरीके से थे, 1, 2, 3, 4 और 1, 5। और पांच में से तीन क्या थे? टी टू जी, ये तीनों हो गए टी टू और नोट जी, ये दोनों क्या हो गए? ई। अब लिगेंड्स आ रहे हैं तो इनको रिपल्सन मिला, रिपल्सन की वजह से सबकी एनर्जी बढ़ गई। तो सबकी एनर्जी बढ़ गई तो देखो ध्यान से, इनकी एनर्जी बढ़ गई तो एनर्जी में ऊपर चले जाएंगे। एनर्जी में ऊपर कहाँ चले जाएंगे इसको ध्यान से देखो। मान लेता हूँ कि ये पांच ऑर्बिटल्स इस तरीके से एनर्जी में बढ़ गए हैं, 1, 2, 3, 4 और 1, 5। तो ये पांच ऑर्बिटल्स सबकी एनर्जी बढ़ गई है, लेकिन
मैंने क्या बताया, ये तो एवरेज दिखाया मैंने, ये तो मैंने क्या दिखाया एवरेज, लेकिन T2 की एनर्जी ज़्यादा बढ़ेगी एज कम्पेयर टू E की एनर्जी। तो ये एवरेज दिखाया था, इसको ऐसे लिखेंगे खोल के, T2 को T2 ऑर्बिटल्स कहाँ पे आएंगे ऊपर, और E वाले ऑर्बिटल्स कहाँ पे आएंगे नीचे आएंगे। ओके, तो ये हो गई स्प्लिटिंग। अब देर आर ओनली 2 E ऑर्बिटल्स एंड 3 T2 ऑर्बिटल्स। अब देखो कितने लिगेंड्स आ रहे हैं इस केस में, लिगेंड सारे 4। तो जो 4 लिगेंड्स आएंगे वो रिपेल कम करेंगे एज कम्पेयर टू 6 लिगेंड्स आए थे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में कितने लिगेंड्स आ रहे थे, 6 लिगेंड्स आ रहे थे, और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में कितने लिगेंड आए हैं, ओनली 4 लिगेंड्स आए हैं। तो 6 लिगेंड्स ने ज़्यादा रिपेल किया होगा एज कम्पेयर टू 4 लिगेंड। तो इसका मतलब ये है, एज कम्पेयर टू 4 लिगेंड्स, तो इसका मतलब ये है यहाँ पर स्प्लिटिंग कम होगी एज कम्पेयर्ड टू ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, क्योंकि वहाँ पे रिपेल किसने किया था, 6 ऑर्बिटल्स ने, और यहाँ पे तो बेचारे 4 ही ऑर्बिटल लिगेंड, सॉरी 4 ही लिगेंड्स क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे स्प्लिटिंग भी क्या होगी, कम, क्योंकि नंबर ऑफ लिगेंड्स आर लेस। तो इस बात को आप लोग दिमाग में डालो बहुत अच्छी तरीके से कि यहाँ लिखवा देता हूँ, ओनली 4 लिगेंड्स आर रिपेलिंग, ओनली 4 लिगेंड्स आर रिपेलिंग ऑर्बिटल्स, हैंस रिपल्सन्स आर लेसर देन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। और अगर रिपल्सन्स कम है तो स्प्लिटिंग भी कम होगी, क्योंकि स्प्लिटिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किससे, रिपल्सन से। तो दिस इंप्लाइज स्प्लिटिंग विल बी लेस इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के केस में स्प्लिटिंग कम होगी। अब मैंने बोला स्प्लिटिंग मतलब डेल्टा टी, उसमें क्या था डेल्टा ओ, स्प्लिटिंग को मैं किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, डेल्टा टी से। तो आप लोग बोल सकते हो कि डेल्टा टी क्या है, डेल्टा टी बहुत कम है एज कम्पेयर टू डेल्टा ओ। डेल्टा टी इज इन दोनों में सेपरेशन, जैसे ऑक्टाहेड्रल के केस में मैंने उसको किससे रिप्रेजेंट किया था, डेल्टा ओ से। तो अब यहाँ पे स्प्लिटिंग बहुत कम है, मतलब डेल्टा टी क्या है, बहुत ज़्यादा कम है। तो अगर स्प्लिटिंग कम हुई है तो इलेक्ट्रॉन नीचे पैर नहीं होगा, हमेशा कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर पहुँच जाएगा, चाहे लिगेंड स्ट्रोंग हो चाहे लिगेंड वीक हो, क्योंकि स्प्लिटिंग थोड़ी सी हुई है तो इलेक्ट्रॉन नीचे पैर नहीं होगा, नीचे इलेक्ट्रॉन पैर नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुँच जाएगा, हमेशा के लिए ऊपर पहुँच जाएगा। कॉम्प्लेक्स कैसा बनेगा, हाई स्पिन बनेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको लिख लो आप लोग, और इस पॉइंट के ऊपर लिख लो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि चाहे स्ट्रॉन्ग लिगेंड आए चाहे वीक लिगेंड आए, स्प्लिटिंग कम है तो कॉम्प्लेक्स कैसा बनेगा, हाई स्पिन। तो वेदर स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स is formed in tetrahedral complexes, मतलब मैं बोल सकता हूं कि tetrahedral complexes के केस में डेल्टा टी हमेशा कम होगा किससे, पेयरिंग एनर्जी पी से। ये लग रहा है ऑलवेज, चाहे लिगेंड स्ट्रोंग हो चाहे लिगेंड वीक हो, डेल्टा टी कम होगा पेयरिंग से, मतलब
इलेक्ट्रॉन ऊपर ही जाएगा जंप करके, नीचे इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा, दोबारा पेयरिंग नहीं होगी, पहले इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा बाद में पेयरिंग होगी। जिस काम में कम एनर्जी खर्च हो रही है वो काम होगा। तो डेल्टा टी ये एनर्जी गैप कम है, तो इलेक्ट्रॉन एक दो तीसरा इलेक्ट्रॉन सीधा ऊपर ही जाएगा, चाहे लिगैंड स्ट्रोंग हो चाहे लिगैंड वीक हो। कॉम्प्लेक्स हमेशा कैसा बनेगा? हाई स्पिन बनेगा। इसको नोट कर लो, ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के केस के अंदर सीएफटी है, क्योंकि चार ही लिगैंड क्या कर रहे हैं? रिपेल कर रहे हैं। तो चार लिगैंड रिपेल कम करेंगे तो स्प्लिटिंग भी कम होगी एज कंपेयर्ड टू ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। अब अगर देखो सेम मेटल है, मेटल पे चार्ज भी सेम है और लिगैंड्स भी सेम है, तो आप लोग इस बात को लिख लो, थोड़ा सा दिमाग में डाल लो कि अगर लिगैंड्स भी सेम है, मान लो कोई भी जैसे मेटल है एम एक्स फोर, और जैसे इसके ऊपर कुछ भी एक्स नेगेटिव चार्ज है मान लेता हूँ, और उसके बाद सेम मेटल है, सेम ही लिगेंड्स है, मेटल पे चार्ज भी सेम है, जैसे मान लेता हूँ मेटल की प्लस एक्स ऑक्सीडेशन स्टेट थी यहाँ पे, और यहाँ पे भी मेटल की ऑक्सीडेशन प्लस एक्स है और लिगेंड भी क्या है सेम। तो इस केस में जो डेल्टा टी होगा, आप लोग इसको पॉइंट बना के लिख लो कि इफ लिगेंड्स एंड मेटल आर सेम, इफ लिगेंड्स एंड मेटल आर सेम देन डेल्टा टी विल बी इक्वल टू 4/9 ऑफ डेल्टा ओ। डेल्टा ओ इज स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, डेल्टा टी इज स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ये आईआईटी जेई में इसका यूज हो सकता है या नीट के अंदर, कंपिटिशन एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है कि लिगेंड अगर देखो सीबीएसई बोर्ड में इस पर क्वेश्चन नहीं आएगा। मैं कहना चाह रहा हूँ कि लिगेंड अगर सेम है, कि क्लोरीन ही इसमें है, क्लोरीन ही इसमें है, मेटल पे चार्ज भी दोनों में सेम है, तो हमेशा जो स्प्लिटिंग होगी टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में, इट विल बी 4/9 टाइम्स स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। दिस थिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर आईआईटी नीट एंड एम्स एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स सीबीएसई बोर्ड के लिए। ये इसको चाहे आप लोग हिम्मत याद रखो। एक बात और बता देता हूँ यहीं पे, अगर कॉम्प्लेक्स मेरा स्केयर प्लेनर आ गया और इसी टाइप का मान लो कॉम्प्लेक्स बन गया, तो स्केयर प्लेनर के लिए मतलब कि हम लोग क्या लिखते हैं कि डेल्टा ऑफ स्केयर प्लेनर इट इज इक्वल टू 1.3 इंटू डेल्टा ऑफ ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल से भी बहुत ज़्यादा है, कितनी है 1.3 टाइम्स। इसको भी आप लोग लिख लो, इससे तो क्यों सुनाने के चांसेस बहुत कम है कंपटीशन में भी, लेकिन फिर भी यूज हो सकता है। कोई भरोसा नहीं कर सकते हम लोग कि क्या पूछेंगे वो लोग। अगर कॉम्प्लेक्स स्केयर प्लेनर बन गया तो उसके अंदर स्प्लिटिंग ऑक्टाहेड्रल से भी ज्यादा होगी, कम नहीं होगी, और अगर कॉम्प्लेक्स टेट्राहेड्रल बन गया तो उसमें स्प्लिटिंग ऑक्टाहेड्रल से भी कम होगी। डेल्टा टी विल बी 4/9 ऑफ डेल्टा ओ। तो ये था टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए सीएफटी। इसको जल्दी जल्दी नोट कर लो, फिर एक टेबल की फॉर्म में इसको हम लोग बनाते हैं जल्दी से। ओके, अब नेक्स्ट मान लो मैंने क्या बताया कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में स्प्लिटिंग में ई नीचे आएगा और टी टू कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। तो अब देखो इनमें जो मान लेता हूँ ये बैरी सेंटर है, बैरी सेंटर मतलब कि दोनों का एवरेज, दोनों का एवरेज। तो भाई सबको पता है ना टी टू कितना ऊपर जाता है? टी टू जाता है प्लस 0.4 डेल्टा ओ, डेल्टा टी सॉरी, है ना। पिछले केस में क्या हुआ था? माइनस, नीचे गया था टी टू। और जो ई जाएगा कितना नीचे जाएगा? माइनस 0.6 डेल्टा टी जाएगा। समझ गए सब लोग? अब इसकी सीएफएससी हम लोग निकालेंगे, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के केस में। तो इट विल बी इक्वल टू माइनस 0.6 डेल्टा टी इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ई प्लस 0.4 इंटू डेल्टा टी इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन टी टू। तो ये सीएफएससी का फॉर्मूला होता है। अब मान लो जैसे क्वेश्चन आ गया कैलकुलेट सीएफएसई फोर, नंबर वन इज एमएन, सीएल4 टू नेगेटिव। सेकंड क्वेश्चन पूछ लिया इसने,
सी आर सी एन फोर टू नेगेटिव, चलो इसमें हम लोग लिख देते हैं एफ ई, एफ ई सी एन फोर टू नेगेटिव। अब ध्यान से देखो इसका कितना सिंपल केस है, सेम मेटल का चार्ज कितना मान लूंगा एक्स, लिगेंड पे चार्ज माइनस फोर इट इज इक्वल टू माइनस टू, तो मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी प्लस टू। Mn जो होता है प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट में, Mn की एटॉमिक नंबर होता है 25, ये क्या बनेगा 3d5। टेट्राहेड्रल चार लिगेंड है तो क्या क्या बनेगा भाई टेट्राहेड्रल, अच्छा 3d8 में टेट्रा भी हो सकता है और स्क्वायर प्लेनर, वो मैंने केस पहले करवा दिया। 3d8 के अंदर क्या होगा, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड के साथ तो स्क्वायर प्लेनर, और वीक लिगेंड के साथ क्या होगा, वीक लिगेंड के साथ होगा टेट्राहेड्रल। ये मैंने पहले करवा दिया आपको, वीबीटी में अच्छे से समझा दिया है कि 3d8 के अंदर स्क्वायर प्लेनर टेट्रा, और 3d8 होना चाहिए, यहाँ पे 3d5 है, और 3d8 अगर वीक लिगेंड के साथ है तो फिर सॉरी वीक के साथ है तो टेट्रा, और स्ट्रॉन्ग के साथ है तो ओक्टा। ओके अब चलो हम आगे बढ़ते हैं, एम एन प्लस टू मतलब 3d5। स्प्लिटिंग कराएंगे, दो ऑर्बिटल कहाएंगे नीचे और तीन ऑर्बिटल कहाएंगे ऊपर। दो ऑर्बिटल्स को मैंने नीचे दिखाया और तीन ऑर्बिटल्स को मैंने ऊपर दिखाया। अब मुझे पांच इलेक्ट्रॉन्स को भरना है तो एक दो, अब ये आप बोलोगे वीक लिगेंड है स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, मैं कह रहा हूँ दिमाग ही नहीं लगाना, चाहे वीक हो या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन को हमेशा कहाँ भेजो ऊपर ही भेजो, इलेक्ट्रॉन को ऊपर भेजा तो 3d5 आ गया, इलेक्ट्रॉन ऊपर गए नीचे गए, तो अब इसकी CFSE कैलकुलेट कर देंगे। CFSE इट विल बी इक्वल टू -0.6 इंटू डेल्टा टी, इंटू डेल्टा टी इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई में कितने हैं, नीचे वाला ई था ऊपर वाला क्या था भाई T2 था, तो ई में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं दो, तो इंटू टू प्लस 0.4 इंटू डेल्टा टी इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2 कितने हैं तीन, तो इट विल बी जीरो, ये आएगा -1.2, ये आएगा +1.2 डेल्टा टी, दोनों कैंसिल, आंसर क्या जाएगा जीरो। किसी ने अगर मैग्नेटिक मूवमेंट पूछ लिया तो मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट ऑफ एन इंटू एन प्लस टू बोहर मैग्नेटन, इट विल बी इक्वल टू एन की वैल्यू क्या है, पांच अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इस केस के अंदर, पांच अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इस केस के अंदर, तो अंडर रूट ऑफ 5 × 7 अंडर रूट 35 बोहर मैग्नेटन, समझ गए। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, एफ सी वाला, इस बार तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ऐसे सोचोगे ना आप लोग, इस बार तो क्या है लिगेंड स्ट्रॉन्ग है, मैं फिर से बता रहा हूँ लिगेंड स्ट्रॉन्ग हो या वीक हो कोई फर्क हमें नहीं पड़ेगा, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में सेम ही करना है सबके साथ, क्योंकि स्प्लिटिंग इतनी ज़्यादा हो ही नहीं रही है, चाहे लिगेंड स्ट्रॉन्ग आ जाए। तो अब एफ ई है मेरे पास, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 26, कैलकुलेट करो ऑक्सीडेशन स्टेट, एक्स माइनस फोर इज इक्वल टू माइनस टू, एक्स इज इक्वल टू प्लस टू आ जाएगा, एक्स विल बी इक्वल टू प्लस टू आ जाएगा, 26 एटॉमिक नंबर है, तो इसका अंदर क्या बचेगा 3d में 6 इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे इसके 3d के अंदर, तो स्प्लिटिंग करो, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की प्रेजेंस में स्प्लिटिंग इस तरीके से होती है, e तो नीचे आता है, T2 कहाँ आता है ऊपर आता है। अब ध्यान से देखो इस बात को, 6 इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं तो एक दो तीसरा कहाँ भरोगे, नीचे भर दोगे क्योंकि स्ट्रॉन्ग आ गया, गलत हो गया, मैं फिर बता रहा हूँ कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड आ गया चाहे वीक लिगेंड आ गया इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टेट्रा है वो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज में हमेशा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा ऊपर ही जाएगा, तो पांच तो भरेगा ही, सिक्स वाला क्या करेगा पेयरिंग करवा देगा, अपने आप ही करनी पड़ेगी उसको तो पेयरिंग, क्योंकि पांच इलेक्ट्रॉन आ गए उसके बाद सिक्स तो पेयरिंग करेगा ही, लेकिन ये नहीं देखना है कि लिगेंड स्ट्रॉन्ग है या वीक है, हमेशा आप लोग सिंगली फील करो, इलेक्ट्रॉन को ऊपर जंप करवाओ हमेशा, किसमें टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के केस में। अब हम लोग CFSE कैलकुलेट कर देंगे इसकी, CFSE इट इज इक्वल टू -0.6 इंटू डेल्टा टी, इंटू डेल्टा टी इंटू कितने इलेक्ट्रॉन आई में तीन आई, प्लस 0.4 इंटू डेल्टा टी इंटू ई में कितने T2 में कितने इलेक्ट्रॉन आए तीन, T2 में भी तीन है, ई में भी तीन है, सोल्व करो यह आ गया -1.8, यह आ गया +1.2, तो सोल्व करोगे तो -0.6 डेल्टा टी आंसर आएगा। CFSE नेगेटिव आ गई, मैंने आपको बताया था जब भी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी नेगेटिव आ जाए तो मतलब स्टेबलाइजेशन मिला है, स्टेबलाइजेशन एनर्जी नेगेटिव आनी चाहिए, पॉजिटिव आ गई मतलब स्टेबलाइजेशन नहीं डीस्टेबलाइजेशन मिला है, तो नेगेटिव आ गई मतलब हमने बढ़िया काम कर दिया, मतलब इससे हमने जो भी कुछ किया इससे इस कंपाउंड को स्टेबलाइजेशन मिला है। तो ये हो गई क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी की बात। अब अगर इसका मैग्नेटिक मूवमेंट कोई पूछ ले आप लोगों से तो कैसे निकालेंगे, मैग्नेटिक मूवमेंट इज इक्वल टू, अब तक तो आप लोग एक्सपर्ट बन चुके होंगे, एन इंटू एन प्लस टू
बोर मैग्नेटन इट विल बी इक्वल टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने दिख रहे हैं इसमें, एक दो तीन और एक चार, तो अंडर रूट ऑफ 4 इंटू 6 अंडर रूट 24 आ गया। चलो अंडर रूट 24 क्या होगा, अंडर रूट 25 होता है, अंडर रूट 25 क्या होता है 5, तो अंडर रूट 24 क्या होगा 4.8 या 4.9 के आसपास। चलो तो अच्छा एक बात और, हम लोगों ने यहाँ पे जी नहीं लगाया, इसको हमने इज्जत नहीं दी, यहाँ पे भी जी नहीं लगाया। ऑक्टेटल कॉम्प्लेक्स में हम लोग बड़ा जी जी कर रहे थे ना, वहाँ पे तो हम लोगों ने क्या बोला था कि T2 के साथ भी जी लगाओ, E के साथ भी जी लगाओ। क्यों? क्योंकि हम लोग वहीं पे जी लगाते हैं जहाँ पे सेंटर ऑफ सिमिट्री आ जाए। क्या आ जाए? सेंटर ऑफ सिमिट्री आ जाए। अब ध्यान से देखो एक बार, इसकी अगर मैं बात करूँ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की, तो मेटल आयन और इस तरीके का कॉम्प्लेक्स होता है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, होता है नहीं होता, ये लिगेंड लिगेंड एंड लिगेंड एंड लिगेंड। अब यहाँ पे क्या आपको सेंटर ऑफ सिमेट्री दिखाई दे रही है, ये बाहर की साइड है, इसके अपोजिट साइड जाएंगे कोई लिगेंड नहीं आएगा, इसके अपोजिट साइड जाएंगे इधर कोई लिगेंड नहीं आएगा। क्या मतलब कि प्लस डायरेक्शन में चलेंगे और उससे अपोजिट माइनस डायरेक्शन में चलेंगे, सेम इन्वायरमेंट आ रहा है, टेट्राहेड्रल में सेम इन्वायरमेंट नहीं आता है, तो इसमें कोई सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो जहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं आए उस ऑर्बिटल के लिए हम लोग जी नहीं लगाते हैं। तो जिस कॉम्प्लेक्स के अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री ना हो वहाँ पे जी नहीं लगाएंगे, तो इसको हमें इज्जत नहीं देनी है क्योंकि इसके अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं आता है। ओके, तो अब हम लोग इसको लास्ट में एक टेबल की तरह पढ़ लेते हैं। ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस क्या हो गया, खत्म हो गया। ओके, अब टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए टेबल बनाते हैं। मान लो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D1 है, मेटल प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो देखो नीचे तो आएंगे इस बार कितने ऑर्बिटल्स, दो, और ऊपर कितने आएंगे भाई, तीन, है ना। और D1 एक इलेक्ट्रॉन यहाँ भरा जाएगा, इसका CFSC में कैलकुलेट करूँ तो क्या होता है -0.6 इंटू डेल्टा टी, और ऊपर तो कुछ है नहीं, इंटू वन आएगा, तो इसका CFSC क्या आ जाएगा, -0.6 इंटू डेल्टा टी। और मैग्नेटिक मोमेंट एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो 1 × 3 अंडर रूट 3 BM। अच्छा उसके बाद नेक्स्ट जो मैं देखूँ D2 को, अगर मैं बात करूँ D2 की, तो D2 के अंदर सेम कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, नीचे दो ऑर्बिटल्स ऊपर तीन ऑर्बिटल्स, T2 वाले एक और दो नीचे आ गए, -0.6 डेल्टा टी इंटू टू, तो क्या हो जाएगा -1. डेल्टा टी, आप लोग फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करना। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दो है तो √2 × 4, तो √8 आ जाएगा, √8। ये बोर मैग्नेटम इसकी क्या होगी, यूनिट होगी। उसके बाद मैं बात करता हूँ चलो D4 की, D3 आप लोग खुद से बना लोगे, मैं ज़ूम करता हूँ, चलो D3 की करते हैं पहले। D3 में एक इलेक्ट्रॉन दो, तीसरा कहाँ भरना है, चाहे लिगेंड स्ट्रॉन्ग हो या लिगेंड वीक हो, इसमें अलग अलग केस नहीं बना रखे। देखो मैंने पिछले वाले में स्ट्रॉन्ग और वीक के लिए दो अलग टेबल बनाई थी, इसमें स्ट्रॉन्ग वीक की एक ही टेबल बनेगी। हमें हमेशा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स ही बनाना है, तीसरे वाले इलेक्ट्रॉन को पहले ऊपर ही लेके जाएंगे टेट्राहेड्रल में। तो इस मान जैसे इसकी स्प्लिटिंग कितनी हो जाएगी, ये -1.2 +0.4, मतलब कि ये हो जाएगी -0.8 डेल्टा टी। ओके, और अगर मैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तीन है तो 3 × 5 √15 इसका क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक मोमेंट। अच्छा इसके बाद अगर चलो मैं D6 वाला केस लेता हूँ एक बार, बाकी मैं अज्यूम करता हूँ कि आप लोग बना लोगे। तो D6 वाला केस देखो, एक इलेक्ट्रॉन दो तीन चार पाँच, और सिक्स्थ में पेयरिंग करवानी ही पड़ेगी मुझे। तो अब इसके लिए हम लोग CFSC कैलकुलेट करते हैं, तो तीन इलेक्ट्रॉन नीचे हैं तो -0.6 × 3 मतलब -1.8, ऊपर क्या आएगा +0.4 × 3 मतलब 1.2, 1.2 -1.8 ये क्या आंसर आएगा, -0.6 डेल्टा टी। और अनपेयर इलेक्ट्रॉन इसमें चार दिख रहे हैं आपको, तो 4 × 6 क्या आ गया, √24 BM आ गया। अब आप लोग कहोगे कि इसमें पेयरिंग एनर्जी ऐड करनी है या नहीं करनी, ये आप लोग पूछ सकते हो कि पेयरिंग एनर्जी इसमें ऐड करें या नहीं। तो मैं बोलता हूँ पेयरिंग एनर्जी इसमें ऐड नहीं करनी, क्योंकि इसमें पेयरिंग लिगेंड के कारण नहीं हो रही है। अगर 6 इलेक्ट्रॉन मेरे पास हैं तो 6 इलेक्ट्रॉन होंगे तो एक पेयर तो बनेगा ही बनेगा, वो तो अपने आप ही बनेगा। क्या हमारे लिगेंड ने, क्या हमारे कॉम्प्लेक्स ने, या हमारी स्प्लिटिंग ने कोई पेयरिंग करवाई है ज़बरदस्ती? तो स्प्लिटिंग के कारण कोई पेयरिंग नहीं हुई, तो इसका मतलब कोई पेयरिंग एनर्जी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है।
तो हम लोग बोल सकते हैं कि देखो पेयरिंग एनर्जी कहाँ ऐड हुई थी, स्ट्रॉन्ग फील्ड वाले केसेज में, क्योंकि वहाँ पे स्ट्रॉन्ग लिगेंड जबरदस्ती पेयरिंग करवा दे रहा था स्प्लिट स्टेबलाइजेशन एनर्जी को बढ़ाने के लिए। लेकिन यहाँ पे और बाकी किसी भी केस में पेयरिंग एनर्जी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे लिगेंड की वजह से कोई पेयरिंग नहीं हुई है, जो पेयरिंग हो रही है वो अपने आप से हो रही है। तो मैं बोल सकता हूँ कि इसमें कोई पेयरिंग एनर्जी ऐड नहीं करनी है। तो इस तरीके से आप लोग बाकी पूरी टेबल को कंप्लीट कर सकते हो। जैसे मान लो यहाँ पे D8 करना है मुझे, एक और करवा देता हूँ D8, तो 1, 2, 3, 4, 5 बिना सोचे समझे, अगर चार लिगेंड लग रहे हैं D8 के अंदर, अच्छा D8 में एक्सेप्शन है, D8 में एक्सेप्शन क्या है, कई बार वो क्या बन जाता है, स्केयर प्लेनर। तो स्केयर प्लेनर जब कब बन जाएगा, 3D8 जो है वो स्ट्रोन के साथ क्या बना देता है, स्केयर प्लेनर। तो उसमें फिर कॉन्फ़िगरेशन ऐसे नहीं लिखते, ये सिर्फ टेट्राहेड्रल के लिए वैलिड है, स्केयर प्लेनर के लिए कॉन्फ़िगरेशन ऐसे नहीं लिखनी है। उसके लिए हमें कॉन्फ़िगरेशन हम लोग किसी और लेक्चर में देखेंगे, वो सिर्फ नेट या फिर मान सकते हैं हायर जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें आती है, नेट के अंदर आ जाएगी या फिर गेट के अंदर या फिर जैम के अंदर, इन एग्जाम्स में आ सकती है। IIT से उनका कोई लेना देना नहीं है, ना ही हमारे CBSE बोर्ड से। तो उसको भी हम लोग देख लेंगे किसी और वीडियो में। तो ये 3D8 जो अगर मान लेता हूँ, चलो 3D7 ले लेते हैं हम लोग, 3D7, 8 तो एक्सेप्शन आ गया क्योंकि उसमें कभी कभी स्केयर प्लेनर भी आ जाता है। तो 3D7 अगर है, चाहे वीक लिगेंड हो या चाहे स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो, 7 इलेक्ट्रॉन्स मुझे भरने हैं, तो 5 और 6th और 7th यहाँ पे क्या करवाते हैं, नीचे पेयरिंग। लेकिन ये पेयरिंग लिगेंड के कारण नहीं हुई है, अगर 7 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 2 पेयर तो अपने आप बनेंगे ही, उसमें लिगेंड ने क्या किया। तो इससे अगर हम लोग देखना चाहें तो इसकी CFSE कितनी आएगी, -1.2 Δt, आप लोग कैलकुलेट करके देख लेना। नीचे वालों की 0.6 होती है, तो 0.6 × 4, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन है तो 2.4 आएगी, -2.4। ऊपर वालों की +1.2, तो 2.4 में से 1.2 माइनस करेंगे, -1.2। और मैग्नेटिक मूवमेंट कितना आएगा इसका, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो 3 × 5√15। तो इस तरीके से हम लोग टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की CFT को पढ़ते हैं। ओके, चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ेंगे काफ़ी डिटेल से, और ये जो मैंने बताया स्केयर प्लेनर के लिए स्प्लिटिंग, इसको हम लोग कभी फिर पढ़ेंगे जब हम नेट के लिए या फिर जैम के लिए पढ़ रहे होंगे। तो IIT JEE में इन सब में स्केयर प्लेनर के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस नहीं आती है।